मतलब 5 छक्के 17 चौके आप देख रहे हो टेस्ट के अंदर, वो तो T20 समझ के खेल रहा है, और पहले दिन के तो 179 करना यार, माइंड ब्लोइंग बैटिंग की है। जिस बंदे ने 179 कर लिया उसके लिए क्या 250 मारना मुश्किल काम है। ये बेस वालों का ना बेस निकाल के ना बॉल जो होता है ना वो आज मारा है इन्होंने इंडिया वालों ने। जयसवाल ने जैसी आज परफॉर्मेंस किया, मतलब यार 6 छक्के 17 चौके उसने मारे हैं, और इतनी बड़ी यानी कि इनिंग खेल गया एक दिन के अंदर। जयसवाल 300 तक खेलेगा मेरे ख्याल, 300 तक स्कोर कर लेगा। हाँ आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में इंडिया ने 336 किया और जयसवाल तो आज पकड़े ही नहीं जा रहे थे। भाई जयसवाल ने कमाल नहीं इंग्लैंड की धमाल कर दी है, जिस तरीके से बैटिंग की है ना मुझे लग रहा है कि कल तक ना वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मतलब 5 छक्के 17 चौके आप देख रहे हो टेस्ट के अंदर, वो तो T20 समझ के खेल रहा है, और पहले दिन के तो 179 करना यार, माइंड ब्लोइंग बैटिंग की है। जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हुई मिडिल ऑर्डर में आके, लेकिन एक साइड पर जयसवाल अकेला खड़ा रहा, उसने कहा कि भाई अगर हम पहला मैच हारे हैं ना तो दूसरा मैच हम धड़ल्ले के साथ जीत के दिखाएंगे। यार मैं लिटरली अभी ना मैं दुकान से ना मैं बोतल पीने आया था, मैंने कहा यार चलो सेकंड टेस्ट का रहेंगे, क्या इंग्लैंड का बेसबॉल क्रिकेट का हाल हुआ होगा, ये आपके सामने हाल है यार। 336 3 6 आउट, ऊपर से जयसवाल 179। रोहित शर्मा कैप्टन होके उसने इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जितना जो जयसवाल ने परफॉर्म, मैं तो भाई ये देख रहा रिकॉर्ड देख के अश्विन भी आउट नहीं हुआ, अभी तो अगला दिन है उसके बाद देखे ना। रोहित शर्मा का मुझे दुख हुआ जो 14 पे आउट हुआ है यार। सीधी साफ बात है, जो जयसवाल ने स्कोर करके दिखा दिया ना उसे वाकई बताया कि यार कैप्टन ना भी हो ना, कैप्टन के जो शिकारी पीछे बैठे हैं ना जंगल पे राज करने वाले हैं। ये बेस वालों का ना बेस निकाल के ना बॉल जो होता है ना वो आज मारा है इन्होंने इंडिया वालों ने। जयसवाल ने जैसी आज परफॉर्मेंस किया, मतलब यार 6 छक्के 17 चौके उसने मारे हैं, और इतनी बड़ी यानी कि इनिंग खेल गया एक दिन के अंदर, 179 या 180 का राउंड उसने स्कोर किया, तो ऐसी इनिंग उसने खेली है कि वो आपको कहते हैं ना कि इंडिया कमबैक जब करता है ना तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आज इंडिया ने फिर वो साबित कर दिया कि इंडिया ने कमबैक किया, पहले मैच के अंदर जो होना था हो गया, उनको फ़र्क नहीं इंडिया को पड़ा, लेकिन ये मैच के अंदर उन्होंने ये फ़र्क निकाल दिया है। और जो ये जो लगे हुए थे ना बेसबॉल आज उनकी भी उन्होंने बैंड बजा दी है, ऐसी परफॉर्मेंस देनी मैं कहता हूँ कि ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जयसवाल का ऐसा स्कोर। आप देखो लास्ट मैच के अंदर भी कहा जा रहा है कि जयसवाल नहीं चाह रहा और बाकी प्लेयर नहीं चाह रहे, रोहित शर्मा नहीं चाह रहा, शुभमन गिल नहीं चाह रहा, इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है आज देखे जयसवाल चला और चल के उसने छक्के चौके मारे, 179 हो गए। जयसवाल का कितना स्कोर करते नजर आ रहे हो आप? यार मुझे तो लगता है जयसवाल मुझे 200+ बिल्कुल जाता नजर आ रहा है, इसका स्कोर नहीं किया 250 भी आराम से कर सकता है। कल का दिन भी अभी इनके पास है, अगर कल का दिन भी ऐसे तो ये और जो अश्विन ने अगर खड़े रहे ना तो बिलीव करो ऐसे ही तकरीबन के 400+ 450+ के राउंड स्कोर कर जाएंगे। जहरी बात नजर आ रहा है, जीत जाना इंडिया ने, जयसवाल इतना अच्छा खेल गया जीत नहीं है। जयसवाल को हो गया 180, तो अब उनकी गलत फहमी है इंग्लैंड की कि वो जीत जाएंगे इंडिया से, मतलब कि इंडिया ये मैच जीता हुआ नजर आ रहा है, सीधा नजर आ रहा है जीता हुआ। जयसवाल 300 तक खेलेगा मेरे ख्याल, 300 तक स्कोर कर लेगा। हाँ आराम से, 6 आउट हो गए हुए, अच्छा प्लेयर है तो खेलना अच्छा आता है। जेन्युइन बात है इंडिया इस टाइम बन गया जंगल, उसके अंदर एक डेन नहीं होता जिसके अंदर शेर अपने शेरनियों को लाइन कब्स को लेकर बैठा होता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों ना उस डेन के ना शेर है, जयसवाल जैसा प्लेयर ना वहाँ के प्रोटेक्टर है। इंग्लैंड की टीम को अब याद रहेगा ये जो सिर्फ बेसबॉल क्रिकेट खेलने आए थे ना, अब इनके साथ उसी ग्राउंड के अंदर हॉकी भी होगा, पोल डांस भी होगा, बेसबॉल भी होगा, सारे फुटबॉल हर एक स्पोर्ट इंडिया वाले अब इनको नचाएंगे, गौरव को मार मार पागल करेंगे। पहला दिन से 336 किया, 6 आउट हुए हैं अभी, तो अभी 4 दिन का मैच और पड़ा हुआ है। जयसवाल क्या आपको बड़ा स्कोर करते हुए नजर? यार मेरी बात सुनो, अगर अश्विन खड़ा रहा ना उसके साथ, क्योंकि आपको पता है जयसवाल तो चल गया, अब जयसवाल को अपनी चाहिए कि एक दिन एक ओवर वो चेक करेगा कैसा परफॉर्म जा रहा है कैसा नहीं जा रहा। जयसवाल का बल्ला चल गया, अब बात है विकेट्स गिरने पे। अगर अश्विन की तरफ से विकेट, अश्विन अगर आउट हो गया उसके बाद सारे नीचे बॉलर्स ही हैं, अगर उसका वो आउट होते रहे तो यार सारा जयसवाल का स्कोर तो सब फारग हो जाएगा, यूजलेस स्कोर हो जाएगा। 179 हो गए, कितना स्कोर करते नजर आ रहे हैं यार? अगर डिपेंड करता अगर विकेट खड़ी रही, विकेट अगर खड़ी रही तो जयसवाल 200+ कर जाएगा, बहुत आराम से कर जाएगा यार। जिस बंदे ने 179 कर लिया उसके लिए क्या 250 मारना मुश्किल काम है, इजी काम है। डिपेंड करता है कि अगर सेकंड डे के ऊपर अगर अश्विन खड़ा रहा तो ये इंडिया आराम से 400-500 का स्कोर ले जाएगी। और लास्ट बॉल के अंदर आई थिंक जयसवाल ने चौका मारा, वो छक्का था उनकी बचत हो गई है, और लास्ट बॉल के अंदर मारा अश्विन ने, अश्विन ने मारा। ठीक है तो ऐसा यानी कि ये जो चौका मार के भी उन्होंने यानी कि स्कोर को थोड़ा सा अपग्रेड किया, 3-3 आई थिंक 3-3 3-6 स्कोर किया, तो ये
इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा परफॉर्मेंस देना कोई साल काम इंग्लैंड अपनी फुल कैपेसिटी के साथ खेला, जिमी एंडरसन को भी शामिल किए, उन्होंने स्पिनर्स भी अपने यूज किए हैं, लाइक पूरे जोर लगाए खेल रहे थे वो लोग। इंग्लैंड ने आज फुल प्लानिंग की हुई थी कि इंडिया की जो विकेट है ना ये स्पिनर्स के लिए बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा यानी ये स्कोप है स्पिनर्स का, स्पिनर को इंडिया की विकेट के ऊपर खेलना मुश्किल होता है। इंग्लैंड ने आज वही ट्राई किया, लेकिन इंडिया के आगे बैट्समैन खड़े हुए थे, जयसवाल खड़ा हुआ था, रोहित शर्मा खड़ा हुआ था, शुभमन गिल ने भी आई थिंक 34 स्कोर किया है, तो ऐसी परफॉर्मेंस यार मज़ा आया आज का मैच देख के और वाकई एंटरटेन हुए हैं। बिलीव करो काफ़ी देर के बाद पिछले मैच के अंदर जितने भी डिसअपॉइंटमेंट यानी कि हम लोग डिसअपॉइंट हुए ना पिछले मैच के अंदर, आज वो इतनी खुशी हो रही थी इंडिया का मैच देखा, पूरा दिन यानी कि देखते रहे मैच, इंजॉय किया और बिलीव करो डिसहार्ड नहीं हुए। इंडिया का मैच आप जब भी देखोगे ना आप कभी डिसहार्ड नहीं होगे, हमेशा आप इंजॉय करोगे। आज भी देखो इंडिया ने ऐसी परफॉर्मेंस देखे, हमें खुशी थी, मज़ा आया देखे।